देखो नए नए पत्ते आ रहे हैं धीरे धीरे, पहचान रहे वो कौन सा गाड़ी है। ये देखो निकल गया, आ जा चलो। सामने जो जगह दिख रहा है टोटली देखो सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। अरे 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 पानी में क्या कर रहा था। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज थर्सडे है और आज नेशनल हॉलीडे है, इसलिए मैं छुट्टी है, मैं घर में हूँ अभी। मैं चलो पहले छत पे चलता हूँ। छत पे देखो मस्त, हमारे घर के पास में आज शादी घर है और वहाँ पे हमारे हाँ ठीक है जी। मम्मी कह रही है अचार को ढक देने के लिए क्योंकि बारिश हो सकता है ना, वेदर ही वैसा हो रखा है। यहाँ पे कपड़े डाले हुए हैं और यहीं पीछे एक घर क्रॉस करके दूसरे घर में आज शादी है, मतलब तो शादी नहीं है, रिसेप्शन है, शादी हो चुका है और हमारा आज इनविटेशन है इसी मैरिज हॉल में रात को। मस्त गाना बज रहा है सुबह से, मैं जब से उठा तब से, अभी तो वैसे 10 बज गया होगा। मेरा जल्दी उठना भी हो गया, अभी अभ्यास में आ गया है ना, तो मैं 4:30 बजे आज भी उठ गया था, उसके बाद सोया हुआ था लेकिन नींद टूट गई थी, आंखें खुल गई थी। और आज वेदर देखो काफ़ी मस्त है, धूप भी निकला है और बादल भी मस्त लग रहे हैं। और बारिश तो वैसे होगा ही, अभी नहीं हुआ तो शाम के टाइम पे होगा क्योंकि अभी हर दिन बारिश हो रहा है। और आम नहीं दिख रहे हैं यार आज, देखो नए नए पत्ते आ रहे हैं धीरे धीरे हर जगह पे। आम है, आम है, नीचे है, नीचे के साइड में आम। और ये जगह पार्किंग हो गया है, ऑफिशियल पार्किंग। यहाँ पे अभी तो एक गाड़ी है लेकिन जब शाम का टाइम हो जाएगा ना, जब इनविटेशन जिन जिन लोगों को मिला है तो वो जब आने लगेंगे, ये जगहों पे पूरा भर जाएगा। ये जगह इतना लंबा सा जगह है, अभी पेड़ों की वजह से सही तरीके से दिख नहीं रहा है लेकिन काफ़ी लंबा सा जगह है, तो टोटल जगहों पे सिर्फ गाड़ियाँ भर जाएंगी। सामने से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो गेट बनेगा, मतलब बन रहा है, ये देखो देखो ऊपर चढ़ रहे हैं। चाचा की उम्र देखो और ऊपर चढ़ के देखो कैसे मस्त। यही गेट है आज के शादी घर के लिए, यही गेट है, अभी तो बन रहा है, इसके ऊपर लाइटिंग लग जाएगा, उसके बाद लाइट जलता रहेगा, फिर मज़ा आएगा शाम के टाइम पे, जब अंधेरा हो जाएगा ना लाइटिंग मस्त लगेगा देखने में। और ये देखो ये जगह कितने लंबा तक है, वहाँ तक है, ये जगह पूरा गाड़ी में भर जाएगा। उतने दूर तक तो नहीं, वहाँ पर जगह थोड़ा सा सही नहीं है, यहाँ तक तो भर ही जाएगा गाड़ी में शाम के टाइम। मैं चलता हूँ नीचे अभी, पहले उसके पहले मम्मी ने जो बोला है यहाँ अचार को ढक देता हूँ, जल्दी धूप निकल गया यार। मैं तो बाबा दादा के दुकान में आया था, ये ट्राईपॉड मेम का है, वो ले जाने के लिए बाबा दादा के पास दिया हुआ था और धूप काफ़ी ज़्यादा निकल गया। देखो वैसे ये मेरा फेवरेट ब्रेड है, ये भी लेने के लिए आया था मैं, ऐसे ही सिर्फ इसको लेने के लिए नहीं। और वो सामने वाला जो गाड़ी है, पहचान रहे वो कौन सा गाड़ी है, ऑल्टो 800, इसका नाम पहली बार मैंने सुना था, सबसे पहला गाड़ी ऑल्टो 800 वाला। छुट्टी है तो बाहर निकल रहा हूँ मैं और सुपुदा, सुपुदा भी निकल रहा है यहाँ से, ये देखो। और गाना बज रहे हैं मस्त सुबह से, ये देखो निकल गया, आ जा चलो। मस्त गाना बज रहा है लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा। माइलम मम्मी देखो ऊपर, अरे निकलते ही धूप नहीं दे रही, अरे ये ऑल्टो तब से खड़ा हुआ है यहाँ पे। चलो उधर चलें, कौन नहीं जाए दिए उधर चलते हैं, गेट अभी तक बना नहीं है। यहाँ पे कैश डिपोजिट का काम तो हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा घूमते हैं। वेदर देखो मस्त हो गया, धूप चला गया टोटली, अब भी घूमने में मज़ा आएगा। ज़्यादा नदी के पास में मस्त वेदर होगा, यहाँ पे आते ही धूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। देखो पहली बार जब आया था तब यहाँ पे पूरा खाली जगह था, सिर्फ रेत ही रेत दिख रहा था, वो बीच में रेत हो गया, यहाँ पे टोटली पानी भर गया। बरसात का महीना बस आया ही है तभी ये हालत है, जब बरसात टोटली सही तरीके से बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा ना, जब काफ़ी तेज़ बारिश होता है जिस टाइम पर, तो और एक महीने बाद तब ये ऊपर ऊपर तक बारिश पानी आ जाता है। उस टाइम पे तो आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा दिन बारिश होता रहता है, लेकिन फिर भी मैं आऊँगा, कोशिश करूँगा आने के लिए। और वो सामने जो जगह दिख रहा है टोटली देखो सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, उसके पीछे गांव है एक जिसको माना कहते हैं, और वो जगह क्रॉस करके चले जाएँगे तो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ तक ये दामोदर तक पश्चिम वर्धमान है, उसके बाद उस साइड में बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये देखो
पंछी को फॉलो करता हूँ, रहने देते हैं। अरे अरे अरे, पानी में क्या कर रहा था, अलग ही व्यू मिल गया यार। ये देखो पानी के ऊपर से जा रहा है, वो देखो सुपुदा किधर गया, सुपुदा वहाँ पे रुका हुआ है छाव के नीचे, और भी बाकी सारे बैठे हुए हैं, मैं ही बस धूप में घूम रहा हूँ। नीचे नहीं जा सकते अभी क्योंकि ये जगह काफ़ी डेंजरस है, स्विमिंग आता नहीं है, तो नीचे जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर यहाँ पे छाँव में बैठता हूँ। बाहर से तो घूम के वापस आ चुका हूँ, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और सुपुदा नीचे रूम में बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद 1-1.30 बजे के टाइम घर के सारे लोग मिलके जाएंगे वहाँ पे मैरिज हॉल में, वो जो मैरिज हॉल है ना पास में, वहाँ पे वहीं पे जाएंगे क्योंकि आज हमारा सुबह से इन्विटेशन है, मतलब दोपहर को भी जाएंगे, उसके बाद रात को तो है ही, तो थोड़ी देर में दोपहर के लिए निकलेंगे। उससे पहले नहाना बाकी है मेरा, अभी तो मैं बस ट्रिमर चार्ज कर रहा हूँ, ट्रिमर चार्ज हो जाए दोपहर के लिए निकलने के लिए तैयार। और वो सामने जो घर है जिसमें पैंडल बना है वहीं पर शादी है आज, सारे जा रहे हैं और हमारा बिल्लू जी यहीं पे बैठे हुए हैं सबके स्वागत के लिए। बाय बाय। तो खुला खुला सा रहता है लेकिन बारिश से बचने के लिए ऐसा बनाया गया है। अभी फिर से शाम को आएंगे और गेट देखो यहाँ पे मेन ये, और ये पास में हमारा घर, घर के पास में भी एक गेट बन रहा है जो अंदर गली है ना, गली में। सुपुदा मैं निकल गया हूँ, मम्मी और चाची अभी भी खा रही है खाना, फिर वो लोग आएंगे, हम लोग घर में चल के बैठते हैं। घर कैसा मस्त लग रहा है ना हमारा। गाइस बाहर की नॉइज़ सुनाई दे रही है, बाहर 3:30 बजे से काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा है, अभी 5:30 बज चुका है और कंटिन्यू लगातार बारिश होता जा रहा है, बारिश हो रहा है साथ में लाइटनिंग हो रहा है, हालत थोड़ा ख़राब है। लेकिन एक बात तो है, आज करंट एक बार भी नहीं है। देखो अभी भी करंट है और सारे खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, यहाँ पे रूम पे भी सब बंद है क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा है ना, तो अंदर बहुत पानी घुस रहा था जब खिड़की खुला हुआ था। ये देखो क्या हालत, देखो और यहाँ पे देखो कैसा मस्त सजा दिया है, पूरा गली सजा है यार। अभी तक तो अंधेरा हुआ नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जल रहे क्योंकि अभी 6 बजा नहीं है। देखो गली कैसा मस्त लग रहा है और बारिश देखो, ये देखो लाइटनिंग, ओ भाई साहब अलग ही लग रहा है। मम्मी यहाँ पे चाय लेके आ गई है, दादा को सुना ही नहीं, बारिश में भी टोटो चल रहे। देखो आज ही रात को इन्विटेशन है और आज ही इतना ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है ना, कैसे जाएंगे वही सोच रहा हूँ। वैसे मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे घर के पास ही मेरा जॉब है, एकदम बिल्कुल पास में, लेकिन जो लोग दूर से आ रहे हैं जिनका दूर से इन्विटेशन है तो वो लोग क्या करेंगे, वही मैं सोच रहा हूँ। अभी फ़िलहाल बैठ के यहाँ पे चाय पीता हूँ, चाय आ चुका है मस्त, बाहर बारिश हो रहा है, इसी जगह पे एक कुर्सी लगाता हूँ, बैठता हूँ यहाँ पे, बाहर का मस्त व्यू देख लेकर चाय पीता हूँ। और फिलहाल आज के लिए ब्लॉग को करता हूँ, ये ट्रेन आए हो गए, तो वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, मिलते गए तो नए ब्लॉग को ज़्यादा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।